यौगिकों के सूत्र लिखना जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे एम जी सी एल टू किस प्रकार बनेगा इसे हमें समझना है अन्य यौगिकों के सूत्र भी हम सीखेंगे और पूरी इसकी विधि समझने का प्रयास करेंगे यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए संयोजकता का ज्ञान होना जरूरी है तो नाइन्थ के स्टैंडर्ड पर हम कुछ कम आयनों से भी काम चला लेंगे जो तत्व हैं उनकी संयोजकता को हम थोड़ा शार्ट में समझ लेंगे जैसे अगर हम आयन्स में देखें तो सोडियम है पोटेशियम सिल्वर कॉपर सोडियम को एन से दर्शाते हैं एन प्लस के प्लस ए प्लस सी प्लस एक संयोजी है धनात्मक आयन और ये सभी धातुएं हैं फिर मैग्नीशियम को लें तो एम जी टू प्लस है ना इसमें ये दो संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है कैल्शियम दो संयोजकता को प्रदर्शित करता है सी ए टू प्लस एल्यूमिनियम तीन संयोजकता को प्रदर्शित करता है कॉपर एक संयोजी एक संयोजकता को भी दर्शाता है और दो संयोजकता को भी दर्शाता है इसी तरीके से आयरन दो और तीन दोनों को दर्शाता है फिर अगर हम लें तो अगर अधात्विक तत्वों में आए तो हाइड्रोजन H प्लस और इसका जो हाइड्राइड है वो ऋणात्मक आयन H- को दर्शाता है फिर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये भी ऋणात्मक आयन मतलब एक संयोजकता है और ये सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस से दर्शाई जाती है साथ में ऑक्साइड दो संयोजकता पर यह आपका ऋणात्मक रूप से और सल्फाइड भी दो संयोजकता पर ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाता है नाइट्राइड के लिए आप तीन संयोजकता पर यह भी ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाएगा तो इस तरीके से ये धनायन और ऋणायनों को प्रदर्शित करते हुए अगर हम धातु और अधातुओं को ले लें तो हम बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं बहुपरमाणु आयनों पर हम देर से बात करेंगे अगर हमें यौगिकों के सूत्र बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है तो सबसे पहले इसके जो ये तत्व हैं है ना इसमें मैग्नीशियम है क्लोराइड है है ना तो ये इनको सबसे पहले इनको आयंस को जो है हमें व्यवस्थित तरीके से पहले इनके प्रतीक लिखना चाहिए तो तत्वों के प्रतीक जब आप लिखते हैं तो सपोज़ आपने मैग्नीशियम के लिए तो आप एम लिखेंगे ठीक है और एम के लिए उसकी संयुक्त को जब आप दर्शाएंगे तो हमें पता है कि ये टू प्लस होती है मैग्नीशियम के लिए देखिए है ना तो टू प्लस है मतलब दो संयोजी है तो ये धनायन है और दो संयोजी है ठीक है और इसके लिए क्लोराइड के लिए आप देखें तो वो ऋणायन है और वो Uh, कितना है एक uh, संयुक्त को प्रदर्शित करता है तो क्लोरीन के लिए ये एक संयुक्त को प्रदर्शित कर रहा है अब क्या करना है आपको जब आप इसके यौगिक बनाएंगे तो इसको ऐसे क्रास करिएगा और क्रास करने के बाद में देखिए एम जी वन हो जाएगा और सी एल टू हो जाएगा इस तरीके से आप क्रास करेंगे इनको देखिए ऐसे एम जी वन और इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा सी एल टू ठीक है ना और नीचे की तरफ इसको ऐसे लिखेंगे यहां तो ये बन आपका सूत्र जो बन जाएगा वो बनेगा एम जी सी एल टू देखिए आप एम जी वन और सी एल टू और जो एम जी सी एल टू है उस पर आपको कोई भी आवेश या चार्ज नहीं लिखना है क्योंकि ये जो यौगिक बना है ये पूरी तरीके से क्या है ये आपका अब इसमें हमको इसमें आयंस नहीं है या सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इसके अंदर ये आपका न्यूट्रल रूप से प्रदर्शित होगा है ना इसमें इसकी संरचना उदासीन है तो यहां पर आपको अब आयंस नहीं दर्शाना है तो इस तरीके से एम जी सी एल टू बनेगा ये सूत्र आपका देखिए कैसे यहां नीचे की तरफ वन और नीचे की तरफ टू एम जी सी एल टू चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है तो पहले तत्व प्रतीक लिखेंगे फिर उनकी संयुक्ता लिखेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए थ्री प्लस देखिए आप थ्री प्लस और ऑक्साइड के लिए टू माइनस ये देखिए ऑक्साइड के लिए टू माइनस अब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा क्रॉस कर दीजिए हो जाएगा ए एल टू और ये हो जाएगा ओ थ्री तो इस तरीके से इसका सूत्र बनेगा ए एल टू ओ थ्री ठीक है ना ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमारा सूत्र बन जाएगा बहुत थोड़े से भी अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका नाइन्थ में काम चल जाएगा और थोड़ा आप सीखते चले जाएंगे धीरे 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 आप देखते जाएंगे आप कुछ यौगिकों के सूत्र भी देख लेंगे तब भी आपको उनके आयंस के बारे में उनकी संयुक्ता के बारे में पता चल सकता है जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहे हैं तो देखिए आप हाइड्रोजन के लिए ए एच संयुक्ता में प्लस वन क्लोराइड के लिए सी एल संयुक्ता में माइनस वन और इस तरीके से आप देखें तो ये आपका एच वन सी सी एल वन बन रहा है मतलब ये एस सी एल हो जाएगा इसका सूत्र इस तरीके से एच सी एल ठीक है ना एच वन सी एल वन एस सी एल ठीक है वन को लिखना नहीं है ठीक है ना यहाँ भी आपने वन को नहीं लिखा था एम जी वन सी एल टू तो एम जी सी एल टू और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे आप कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड लेना चाह रहे हैं तो कार्बन में एक कार्बन है आपके पास और क्लोराइड है तो कार्बन के लिए आपने संयुक्ता में क्या लिखेंगे प्लस फोर है ना और ये आपका क्लोराइड के लिए माइनस वन तो अब देखिए क्या बन रहा है ये सी सी एल फोर इस तरीके से इसका सूत्र बन जाएगा तो यौगिकों के सूत्र बनाना बहुत आसान है तत्व प्रतीक और संयुक्ता का ज्ञान होने पर इस तरीके से सूत्र आप बना सकते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए जाना है H2S तो आप क्या करेंगे देखिए ये देखिए H संयुक्ता में वन प्लस ओके और ये आपका सल्फाइड के लिए आपको पता है टू माइनस है ना ये यहाँ देखेंगे इसमें देखिए आप मैं आप इसमें यहाँ बताता हूँ अगर आप बहुप्रमाणु आयन को लेते हैं तो अमोनियम के लिए एन फोर प्लस है मतलब एक संयुक्त दर्शाना है ऊपर की तरफ अमोनियम में देखिए बहुप्रमाणु मतलब इसमें ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन सारा है और यह एन इसका फार्मूला है ठीक है तो ये एन प्लस मतलब ये बहुप्रमाणुक आयन है तो इसमें इसकी संयुक्ता आपकी एक है नाइट्रेट NO3- मतलब इसकी भी कितनी है एक है हाइड्रोक्साइड OH- इसकी भी एक है और ये ऋणात्मकता को दर्शा रहा है मतलब ऋणायन के रूप में प्रदर्शित है कार्बोनेट CO3- ठीक है सल्फेट SO4- और अगर सल्फाइड हो तो SO3 सल्फाइट हो तो SO3- ओ के लिए PO4- ये थोड़े से बहुपरमाणु आयनों को भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम दोनों देखिएगा तो हाइड्रोक्साइड आपके पास कहाँ है ये ओ एच माइनस है तो तत्व प्रतीक और संयुक्ता लिखिए तो ये तत्व आपका कैल्शियम हुआ और इसकी संयुक्त टू प्लस और ये हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए हाइड्रोक्साइड बहुप्रमाणुक आयन है इसकी हो गई ओ एच माइनस अब जब आप इनको लिखेंगे तब आप एक बात का ध्यान रखेंगे इनको लिखते समय इनको लिखते समय आपको ये करना है कि ये जो बहुप्रमाणु आयन वाले यौगिक हैं इसमें अगर भुप्रमाणु आयन में अगर एक से ज़्यादा है ना आयन है मान लीजिए जैसे यहाँ पर अब टू जाने वाले हैं ओ के साथ तो फिर इसको इसमें आपको कोष्टक लगाना है एक जाए तो नहीं लगाना है लेकिन एक से ज़्यादा जाए दे, देखिए यहाँ पर आप क्रॉस करने जा रहे हैं तो देखिए आप ये सी ए हो रहा है और ओ एच में टू जा रहा है तो फिर आप ब्रेकेट लगाकर इसको कोष्टक लगाकर आपको इसको लिखना है तो ये बन जाएगा आपका सी ए ओ ये देखिए सी ए ओ ये सी ए और ये ओ एच इसका सूत्र बनेगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब और एग्जाम्पल लेते हैं है ना यहां भी आपको वो धातु अधातु वाला मामला यहां पर हो गया एस टू एस बनाने के लिए तो ये सल्फर जो है अधातु थी तो इसको आपने बाद में लिख दिया था ठीक है ना तो ये सल्फाइड के लिए टू माइनस आपने यहां दर्शाया था तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अगर आप बनाना चाहें तो सोडियम कार्बोनेट के लिए देखिए एने संयुक्त वन प्लस और कार्बोनेट के लिए देखिए यहाँ पर ये टू माइनस तो ये टू माइनस है अब देखिए ये क्या बनने वाला है? है ना तो ये बन रहा है एन ए टू सी ओ थ्री लेकिन यहाँ सी ओ थ्री ब्रैकेट में नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ इसकी इस पर कितनी संयुक्ता जा रही है है ना कितना आयन है एक ही आयन है सी ओ थ्री तो इसलिए ये एन ए टू सी ओ थ्री ही बनेगा ठीक है ना तो ये हो जाएगा आपका एन ए टू सी ओ थ्री और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एक आध अमोनियम सल्फेट ले लीजिए तो अमोनियम के लिए देखिए एन एच फोर प्लस है ना तत्व प्रतीक आपका हो गया एन एच फोर प्लस मतलब संयोगता वन प्लस और आपका सल्फेट के लिए देखिए एस ओ फोर टू माइनस मतलब संयोक्ता टू अब देखिए यहां पर ये एन एच फोर के साथ टू लगना है एस ओ फोर के साथ वन लगना है तो क्या बनेगा इसका बताइए जरा ये हो जाएगा आपका NH4 फोर ट्वाइज एस ओ फोर क्यों क्योंकि यहाँ पर जो अमोनियम आयन है उनकी उनके साथ में कितने आ, कितने आयन बन रहे हैं दो हो रहा है है ना दो आयन हो रहे हैं और ये जो आपका सल्फेट है ये कितना हो रहा है एक हो रहा है तो इस पर तो आपको कोष्टक लगाने की जरूरत ही नहीं है एक में लेकिन दो में तो लगाना पड़ेगा तो एन एच फोर ट्वाइस एस ओ फोर एक आध एग्जाम्पल आप अगर करना चाहें सोडियम नाइट्रेट तो आप करके दिखिएगा तो इसका एन एन ओ थ्री बनेगा तो इस तरीके से हम आ, हमारे जो बहुपरमाणु आयन हैं या हमारे जो तत्व हैं हमारे धात्विक और आध्यात्विक तत्व हैं उनके साथ में मिलकर हम ये आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र बना सकते हैं धन्यवाद